चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने कोए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं अमित भूबिया। लगता है ये दोहा कबीर जी बीजेपी के लिए ही लिख कर गए थे। दो पाट, एक दलितों का एक सवर्णों का, और दोनों के बीच में फंस गई है बीजेपी। एससी एसटी एक्ट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर बीजेपी फंस गई है। दलित वोट उनकी तरफ आए या ना आए, लेकिन स्वर्ण वोट बीजेपी से खिसकता जा रहा है। स्वर्णों में बीजेपी के लिए इतना गुस्सा है कि मोदी सरकार के इस फैसले के बाद जहां जहां उनके मंत्री जा रहे हैं, लोग उन्हें काले झंडे दिखा रहे हैं। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी पर पथराव हुआ। प्रभात जहां को काले झंडे दिखाए गए, स्वर्ण जाति के लोग साफ साफ कह रहे हैं कि अगर दलितों पर ही ध्यान देना है तो उन्हीं से ही वोट ले लीजिए। देश के कई गांवों में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं कि ये गांव स्वर्णों का है, वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें, हम तो नोटा को ही वोट देंगे। नोटा, वोट डालने वाली मशीन में एक ऐसा बटन होता है जिसका मतलब होता है मैं किसी को वोट नहीं डाल रहा हूं। जो भी प्रतिनिधि यहां से खड़ा हुआ है उसमें से मुझे कोई पसंद नहीं है। स्वर्ण आरक्षण के विरोध में है और ये बीजेपी के लिए हानिकारक है। ये वीडियो देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि लोग सत्ताधारियों के कितने खिलाफ हैं। अब बीजेपी को इस समस्या से शायद कबीर जी का बेटा ही बचा सकता है। जब कबीर जी ने ये दोहा बोला था, तब उनके बेटे कमाल ने जवाब दिया था कि चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठठाए, कीले से जो लगा रहा सोई रहा बचाए। इसका मतलब होता है कि दोनों पाटों के बीच एक किला होता है, जो इस किले को पकड़ कर रखता है वो बच जाता है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी बीच का रास्ता निकाल पाती है या नहीं। आपके पास भी अगर कोई रास्ता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाएं। आपका जवाब हम बीजेपी के नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। और यह भी बताइए कि आरक्षण के बारे में आपकी क्या राय है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।